तो आज हम बनाएंगे बैचलर्स वालों के लिए चिकन करी, जो पढ़ाई के लिए घर से बाहर है, जिनको खाना बनाना नहीं आता है, उनके लिए एक सिंपल सी चिकन करी की रेसिपी लाए हैं। चलिए पैन लिया है, डालेंगे ऑयल सबसे पहले। देखिए इस प्रकार से अपने को प्याज को भी भूनना है। गैस का फ्लेम करेंगे फास्ट और भूनेंगे प्याज को अच्छी तरह से सुनहरा गोल्डन कलर आने तक, सौते होने तक। जो घर से बाहर है, कभी खाना बनाया नहीं, उनके लिए एक सिंपल सी रेसिपी है। अब इस स्टेज पे डालेंगे हल्का सा नमक, क्योंकि प्याज अपना जल्दी से गले, हल्का ही डालना है, बाकी तो अपन बाद में डालेंगे। और भूनेंगे प्याज को अच्छी तरह से। एक बार ये रेसिपी बैचलर्स लोग जो है वो बना के जरूर देखिए, कम से कम इंग्रेडिएंट के साथ बनती है तो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब है। तो चलिए प्याज को भूनने देते हैं। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, 1 किलो 2 किलो जितनी क्वांटिटी जितना आपको बनाना है उस हिसाब से चिकन लीजिए, उसको मैरिनेट कीजिए। मैरिनेट के लिए मैंने लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जो भी अपने मसाले हैं, सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला के 2 घंटे के लिए छोड़ा था। हल्का सा नमक भी आप उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि मसाला जो है वो अंदर चिकन के अंदर तक जाए। पीसेस देखिए, इस प्रकार से आपको भी मैरिनेट करना है। अगर समय है तो कीजिए, आपके पास समय नहीं है तो तुरंत ही बना सकते हो। इस प्रकार से मैरिनेटेड अपना चिकन है। प्याज तो अपना अच्छी तरह से भून रहा है, सॉल्टे हो रहा है। इस स्टेज पे डालेंगे बारीक कटा हुआ गार्लिक लहसुन को, और साथ ही साथ डालेंगे ग्रीन चिल्ली, जिंजर गार्लिक वाली प्यूरी पेस्ट 2 चम्मच है। इसी साथ ही साथ डालेंगे अपन जिंजर गार्लिक वाली प्यूरी पेस्ट, और बारीक कटी हुई ग्रीन चिल्ली है उसे भी डालेंगे 2 चम्मच के लगभग है, 3 से 4 थे। तो सारे मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे। चलिए बैटर को भूनने देते हैं। अपना पेस्ट तो अच्छी तरह से भून रहा है, देखिए सोते हो गए। अब ऐड करेंगे उसमें हल्का सा वाटर, पानी को मिलाएंगे, क्योंकि जो प्याज है जो अपना भूनने में आसानी रहे, नरम होने में आसानी हो, इसलिए तो पानी के साथ भूनेंगे। तो फाइनली अपना पेस्ट तो भून चुका है अच्छी तरह से। अब ऐड करेंगे उसमें 1, 2, 3, 4 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, छोटे है, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून चिकन मसाला, 1 टेबलस्पून अपना भुना हुआ मसाला है, खड़े मसाले, 2 टेबलस्पून डालेंगे धनिया पाउडर। तो सारे बैटर को अच्छी तरह से मिलाएंगे, और इसी के साथ ही साथ डालेंगे हल्का सा पानी, क्योंकि मसाले अपने जले ना।